देखिए आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू बहुत ही सिंपल और आसान सा रेसिपी है और बिल्कुल खास ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी जिससे हमारे बेसन के लड्डू ना बिगड़ेंगे ना टूटेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 350 ग्राम बेसन और मोटे दाने वाला बेसन लिया है और आधी कटोरी मैंने घी लिए और शुगर हमें यहाँ पे 2 कटोरी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी शुगर और मोटा शुगर है मेरा मोटे दाने वाला शुगर और एक बारीक जो शुगर होता है वो वाला भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने मोटे दाने वाला शुगर लिया है और इसको मैं मिक्सर में ग्राइंडर करूँगी अभी। और हमें मिक्सर में ग्राइंडर करना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरापन रखना है हमें। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते रेसिपी। तो यहाँ पे ले लेंगे हम पैन। तो पैन मैंने गरम करने रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी घी। तो घी हमें बिल्कुल पूरा एक साथ घी हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी ऐड किया है। कभी भी आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो एक साथ घी बिल्कुल ऐड ना करें। तो यहाँ पे पहले मैंने 4 चम्मच घी ऐड किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, हमारा बेसन ऐड कर दूँगी और बिल्कुल हमारा गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। तो इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसमें जो गुठलियाँ पड़ेगी उसको हम बिल्कुल फोड़ देंगे। चम्मच से आप बिल्कुल फोड़ दो या फिर जिस तरीके से हम चला रहे हैं तो उससे बिल्कुल दाने दाने बिल्कुल दरदरापन नहीं रहना चाहिए और कोई लम से नहीं होना चाहिए बेसन के लड्डू में। तो बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए हमें तब तक इसको बस भूनते रहना है और बिल्कुल मीडियम आँच में हमको करना। तो यहाँ देखिए हमारा बेसन थोड़ा सा हमारा कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें वापस थोड़ा घी ऐड करूँगी और ये जो छोटे छोटे दाने हैं इसको मैं फोड़ दूँगी चम्मच से ताकि हमारे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। और यहाँ पे वापस मैं 1 से 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बेसन के लड्डू बनाने हैं, आप एक साथ घी बिल्कुल ऐड ना करें। मैं पहले भी बताई और अब भी मैं बता रही हूँ, उससे हमारे लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे, लड्डू हमारे बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वापस मैं इसको मिक्स कर लूँगी घी के साथ और धीमी आँच में मैं वापस इसको सेक लूँगी अच्छे से और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक हमें सेकना है। कलर आप अपने हिसाब से, आपको डार्क ब्राउन चाहिए या नॉर्मल। और यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल हलवाई वाला येलो कलर वाला आपको लड्डू चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो फ्रूट कलर या फिर थोड़ा हल्दी का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो मार्केट हलवाई वाला टेस्ट आएगा और वैसा ही फ्लेवर, वैसा ही हमें अगर चाहिए तो उस तरीके का लड्डू बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने वापस 2 चम्मच घी ऐड कर दिया। तो बस अब हमें इसमें बिल्कुल भी घी ऐड नहीं करना है। तो वापस मैं इसको सेक लूँगी अच्छे से और जब ही हमारा बेसन सिक के तैयार होगा ना तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। जब मैंने ये बेसन के लड्डू जब बनाए थे, जब मेरा बेसन बिल्कुल परफेक्ट सिक गया था तो मेरा पूरा घर महकने लग गया था। तो जब भी आप लड्डू बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई हमारा बेसन सिक गया है। तो यहाँ देखिए हमारा बेसन बहुत अच्छे से भुन गया है और जहाँ जहाँ थोड़े थोड़े मुझे दाने लगेंगे मैं उसको तोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने अभी गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और एक प्लेट में मैं इसको नीचे उतार लूँगी। आप बिल्कुल भी पैन में ना रखें हाथों हाथ, अभी प्लेट में निकालें, नहीं तो क्या जो हमारा पैन गर्म होगा ना नीचे से हमारा बेसन जल जाएगा। बस अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारा बेसन ठंडा हो गया है और ठंडा हमें उतना ही करना है जितना हम इसमें हाथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। आपको अगर पसंद हो तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो बेसन के लड्डू में इलायची का पाउडर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने शुगर बताया था ग्राइंडर करके आपको किस तरीके से लेना है। तो यहाँ देखिए शुगर हमें थोड़ा दरदरापन, ताकि जब हम बेसन के लड्डू बनाएं मुँह में जो बेसन हम खाएँगे तो थोड़ा दरदरा जो शुगर लगता है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से बेसन के लड्डू में आप शुगर को ग्राइंडर करके ऐड करें, बिल्कुल बारीक ना पीसें। तो अब मैं शुगर इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो शुगर यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड करें, मीठा काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, काफ़ी लोगों को थोड़ा कम खाते। और लेकिन बेसन के लड्डू में मीठा हमेशा ज़्यादा ही ऐड करें, मीठे से ही बेसन का लड्डू काफ़ी टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर मैं वापस थोड़ा शुगर और ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा शुगर है थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा दरदरापन, जब मैं मिक्स कर रही हूँ वाइट वाइट आपको नज़र आ रहे हैं तो उससे क्या टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट ले लिए, काजू बादाम किशमिश को मैंने छोटे बारीक कट कर लिए हैं, ये भी आपकी चॉइस है। अगर आपको पसंद हो इसमें ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको ड्राई लड्डू बेसन के चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसी स्टेज पे आप लड्डू बना ले ड्राई वाले। और अगर आपको थोड़ा सा गीला
लड्डू चाहिए बिल्कुल चिकना वाला, तो इसी स्टेज पे आप एक चम्मच घी और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच घी वापस ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए हमारा बिल्कुल चिकना मार्केट जैसा बेसन के लड्डू बनके तैयार। मार्केट में दोनों तरीके बेसन के लड्डू मिलते हैं, थोड़े चिकने टाइप के और थोड़े ड्राई वाले, तो दोनों आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे बेसन के लड्डू बिल्कुल बनके तैयार। और यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी, आप काजू या बादाम पिस्ता किसी से भी आप गार्निश कर सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल सिंपल बना के तैयार कर सकते हैं। तो वापस हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथ से और गोल गोल बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे बेसन के लड्डू, तो बेसन के लड्डू हमारा तैयार हो गया है। और सेकेंड वाला लड्डू भी हम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें क्वांटिटी और हर चीज़ परफेक्ट डालोगे ना, और सबसे मेन होता है घी की मात्रा, तो उससे हमारे लड्डू ना टूटेंगे ना बिगड़ेंगे। तो आप इसी प्रोसेस से अगर लड्डू बनाएंगे तो उससे मार्केट जैसे लड्डू बनके तैयार होंगे। तो देखिए हमारा लड्डू बनके तैयार, और आ गया ना मुँह में पानी, कोई भी नहीं बोलेगा कि हमने घर पर बनाया बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल इतना लजीला लग रहा है और मुंह में देते घुल जाने वाला लड्डू। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि मेरे हर वीडियो हर नोटिफिकेशन आपके पास आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।